आजमगढ़ के एक हाथी के तांडव की तस्वीर सामने आई है। यहाँ के फूलपुर इलाके में दशहरा मेले में आया एक हाथी अचानक से भिदक गया और सड़क पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हाथी किस तरह वाहनों को पलटा रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है। गुस्साए हाथी का रुद्र रूप देखकर आसपास भगदड़ भी मच गई। इस दौरान काफी देर तक अफरा तफरी मची रही है। देखिए सबसे पहले तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर कैसे तोड़फोड़ ये कर रहा है गाड़ियों में, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। गजराज का गुस्सा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आजमगढ़ से, ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आजमगढ़ से वेदेंद्र जुड़ गए हैं। वेदेंद्र, ये तस्वीर इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह गुस्सा आया हाथी को यहाँ पर और काफी तोड़फोड़ उसने की। जी मैं बता दूं, आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के जगदीशपुर पुल के पास जो मेले का आयोजन किया गया है, उसी संदर्भ में जो कमेटी द्वारा हाथियों का मेले में बुलाया गया था, जहाँ जब रथ में उनको जो है लगाया जाता है, उस दौरान अचानक हाथी जो है भिदक गया, दो हाथी जो है, और उस दौरान तमाम जो भीड़ लगी हुई थी उस क्षेत्र में, हालांकि लोग भागे भी और उस दौरान तमाम गाड़ियां भी जो सामने आई क्षतिग्रस्त की गई हैं। अचानक से एक ऑटो आ गया है जहाँ सवारी लोग थे, वहाँ लोग जान बचाकर भागे, उस गाड़ी को भी पलट दिया है। इसी तरीके से उसको जो है कंट्रोल किया गया है, जहाँ से पुलिस पहुंची है और वन विभाग के अधिकारी जब पहुंचे हैं तो उसको बांध कर फिर जो है उसको एक कुटी में जो है स्थान है वहां पे बांधा गया है। फिलहाल स्थिति जो है अभी सामान्य है, कोई जान माल का खतरा नहीं हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वेदेंद्र तमाम जानकारी के लिए।